वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आपको ऐसे साइट के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी गूगल के पेज को या किसी भी अन्य पेज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम अपने क्रोम पे, यहाँ पे आपको टाइप करना है www.kicksapps.com। इस साइट की इंटरफेस कुछ इस टाइप की आपको नज़र आएगी। यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ डिस्ट्रॉय द वेब। इसका मतलब ही है कि ये साइट बनाया गया है किसी भी वेबसाइट या किसी भी पेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये क्रोम में आसानी से ऐड हो जाती है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये साइट को डिस्ट्रॉय करती है। बस इसमें आपको एरो की से राइट, लेफ्ट और अप डाउन की से एडजस्ट करते हुए स्पेस बार को दबाते हुए बस साइट को डिस्ट्रॉय करते जाना है। और ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। तो इस तरह से आप गूगल को, फेसबुक को, व्हाट्सअप को, किसी भी साइट को आप आसानी से क्रोम ब्राउज़र में इसे ऐड करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए मैंने ये विकिपीडिया की साइट को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो चलिए ये आपको अपने क्रोम में कैसे ऐड करना है और इसकी प्रोसेस क्या है बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे करूँगा मैं एक रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ गए हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च बार के नीचे जो लाइनिंग है तो ये बुकमार्क की लाइनिंग है। तो यहाँ पे जब हम कुछ सर्च करते हैं तो ये लाइनिंग हट जाती है नीचे वाले ऑप्शन। तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में ऑफ रहती है। तो इसे हमको ऑन कैसे करना है तो चलिए करते हैं। न्यू टैब में जाएंगे और इस लाइन में यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे शो बुकमार्क बार लिखा हुआ है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में ऑन हो जाएगी। देख सकते हैं ये अब नज़र आ रही होगी। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आपको हमने जो पहले से किक एस साइट खोली हुई थी उस पे हमको जाना है। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे देखिए किक एस लिखा हुआ है। इसको सिंपली पकड़ के स्क्रॉल करते हुए इस टैब में बुकमार्क वाले जो टैब हमने अभी ऑन किया है उस पे जाके रख देना है। तो देखिए कुछ इस टाइप से ये यहाँ ऐड हो गई है। अब यहाँ हम लोग किसी भी साइट में जाएंगे और सिंपली उसमें जाके क्लिक कर देना है। किक एस लिखा हुआ है उसमें, तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एरो बन के आपको दिख पा रही होगी। ये एरो आ जाएगी और ये अप डाउन लेफ्ट राइट कीबोर्ड से ये कंट्रोल होती है। अब हम इस सेटिंग के साथ किसी भी साइट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम लोग एरो की से कंट्रोल करना है और याद रखेंगे कि स्पेस की दबाना है आपको। जैसे ही स्पेस की दबाएंगे यहाँ से ब्लास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे स्पेस दबाएंगे यहाँ से यह काम करना स्टार्ट कर देगी और गोली की तरह ये जाते हुए साइट को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगी। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये काफ़ी मज़ेदार है, आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ कुछ देर बाद बम ब्लास्टिंग भी होती है। यहाँ देखिए ये साइट को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी साइट को, किसी भी पेज को इस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। इस एरो की के साथ मैं ऊपर नीचे भी जा रहा हूँ और जिधर मन कर रहा है उधर ब्लास्ट कर रहा हूँ और साइट ख़त्म होते जा रही है, ब्लास्ट होते जा रही है। देखिए चलिए मैं कोई और साइट को सर्च करता हूँ और उसे ब्लास्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए विकिपीडिया मैंने खोला है, इसको चलिए ब्लास्ट करते हैं। इसके सारे पेज देख सकते हैं, एक एक करके मैं डिस्ट्रॉय करता जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी मज़ेदार ऐप्स है, आप इसे यूज कर सकते हैं और दोस्तों को बता के चौंका सकते हैं। आप इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी और कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे ऑफ करने का प्रोसेस है कि जस्ट सिंपल राइट बटन यहाँ क्लिक करना है और डिलीट कर देना है इस बुकमार्क के पेज को। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।